परमात्मा ने सारी समृद्धि छोड़ करके चारित्र जीवन का स्वीकार किया, साधना की और एक मंगल दिन ऊपर ज्ञानावरण कर्म का क्षय करके कैवल्य ज्ञान की प्रभु ने प्राप्ति की। इन्हीं के माध्यम से आज हमें जो थोड़ा सा शुद्ध ज्ञान मिला है उनके यदि कोई मूल है परमात्मा है। देखिए आप क्रम भी देखिए, सरस्वती माता सबसे नीचे है, उनके ऊपर गणधर स्वरूप गुरु भगवंत है और उनके भी ऊपर कौन है, तीर्थंकर परमात्मा है। आइए दो हाथ जोड़िए, हमारे मेहुल भाई आपको परमात्मा की स्तुति कराएंगे। अभी आप सभी की दृष्टि भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर होनी चाहिए। इन्हें महावीर समझ करके आप प्रार्थना करना, हे परमात्मा 12.5 साल तक आपने साधना की और कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की, आप यदि कैवल्य ज्ञान न प्राप्त करते हमें शुद्ध ज्ञान नहीं मिलता। हमारे शुद्ध ज्ञान के मूल में आपका केवल ज्ञान और आपके केवल ज्ञान के मूल में आपकी साधना है। आइए भगवान को नमन करें, यहाँ से स्तुति बोली जाएगी, आप सबको आती है, सब साथ में बोलना, बिल्कुल दो हाथ जोड़ करके भगवान के सामने दृष्टि करना। दिन परमात्मा को कैवल्य ज्ञान होता है उसी दिन गणधर पद की स्थापना होती है। भगवान महावीर की बात भूली, हर कोई तीर्थंकर कैवल्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, समोसरण की रचना होती है, गणधर पद के योग्य जीव आते हैं, भगवान त्रिपदी देते हैं, उनके माध्यम से वहीं पर अंतर मुहूर्त में द्वादशांगी एवं 14 पूर्व की रचना होती है। तीर्थंकर उसके बाद कौन आते हैं, भगवान कोई सूत्र की रचना नहीं करते, अर्थ के दाता तीर्थंकर है, सूत्र के दाता गणधर है। आज हमारे पास आचारंग स्वीडंग ठाणंग समवायंग वगैरह 11 अंक प्राप्त हुए गणधरों के माध्यम से। आइए उन गणधरों के चरणों में वंदना करें। इंद्रभूति अग्निभूति वायुभूति व्यक्त सुधर्मा मंडित मौर्य पुत्र अकंपित अचल भ्राता मेतार्य और प्रभास, कितने गणधर थे, कितने को नाम आते थे, हाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम का पूरा नाम आता, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे इंडिया सारी की सारी टीम के 11 प्लेयर का नाम आता है, लेकिन महावीर ने जिस 11 की टीम को गिरा दी थी वह इंद्रभूति अग्निभूति के नाम नहीं आ रही, क्या जरूरत है, हमें क्या मिलने वाला है। तो कोहली जब सेंचुरी लगाता है उसको कुछ मिलने वाला है, आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं, तो भी हम उसके पीछे पागल हैं। और जिन्होंने रचना की इस गणधर भगवंतों के द्वारा हम आपको प्रवचन दे सकते हैं, गुरु भगवंत गणधर भगवंत के माध्यम से हम सबको जीनागम की प्राप्ति हुई है। आज जरा आपका टेस्ट ले लूं, आपके एग्जाम ले लूं, कितने आगम है वर्तमान 48, वेरी गुड। अब पूछो 45 में से कितने नाम आते हैं, आगे वाला 4 की पीछे वाला 5, आगे वाला 11 अंक, 12 उपांग, 10 पयन्ना, अब गिनते जाइए, 6 छेद, 4 मूल सूत्र और 2 चुली का, टोटल कितना हुआ, भूतकाल में 84 आगम होता, वर्तमान काल में अपना सद नसीबे आज 2500 वर्ष पची पण प्रभु की वाणी स्वरूप ना 45 आगमों की प्राप्ति थी। આગમોના માધ્યમે તમને અને મને જ્ઞાનાવરણ કર્મનો ક્ષોભસમ થાય છે, પણ સૌથી પહેલી વાત એ છે કે 8 કર્મમાં પણ પહેલું કર્મ કયું મૂક્યું છે, જ્ઞાના, તમે જુઓ સૌથી પહેલું જ્ઞાનાવરણ કર્મ મૂકીને આપણને એમ કહેવામાં આવ્યું જ્ઞાન હશે તો બધા કર્મ જશે, જ્ઞાન નહીં હોય તો બધા કર્મ બંધ થશે। 63 પ્રકારના શાસ્ત્રમાં દુર્ધ્યાન બતાવ્યા, એમાં સૌથી પહેલું દુર્ધ્યાન અજ્ઞાન છે,
અજ્ઞાન થી મોટો કોઈ દુશ્મન નથી, અજ્ઞાન થી મોટો કોઈ રોગ નથી, અજ્ઞાન થી મોટો કોઈ અંધકાર નથી, અજ્ઞાન થી મોટો કોઈ દોષ નથી. પ્રોબ્લેમ એ છે અમારા જૈનોને વર્તમાન કાળમાં જેટલો ધનમાં રસ છે એટલો જ્ઞાનમાં નથી.